आज का वीडियो ना बहुत खास है, मैं बताता हूँ क्यों। अब सीन क्या, एक स्टॉल है जिसका नाम है खंगाना लालमास टेक अवे। फादर सन का डुओ यहाँ पे काम कर रहे हैं। दौलत सिंह जी हैं जो मेन करते धरते हैं। एंड ये पता क्या करते हैं, बड़ा ऑथेंटिक ट्रेडिशनल लालमास खिलाते हैं। मैं जयपुर में हूँ। अब सीन पता क्या है, जब मैं आया था ना ये प्याज व्याज काट रहे आराम से तसल्ली से बैठ के, कह रहे तसल्ली से बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने एक लोहे का सेटअप बना रखा चूल्हे का, जिसमें अपना लकड़ियाँ लकड़ियाँ डाली, फायर अप किया और हांडी रखी और करेंगे लाल मास की मेकिंग 8 किलो। स्टेप बाय स्टेप इजी रेसिपी मिलना है, यही सब चीज़ें ऑर्डर करनी है। यही सब मतलब सिर्फ चिकन भी ट्राई करें, मटन तो ट्राई करना ही करना है। वीडियो के अंत तक बन रहे ना, पानी आएगा। चले गाइस, ये सेटअप है, ये स्टॉल है और यहाँ पे देखो पूरा सेटअप हो रखा है। मिलवाता हूँ दौलत सिंह जी से। क्या ले दौलत जी, कैसे हैं? ठीक है हुकम। अरे वाह जी वाह, बड़ा ऑथेंटिक काम कर रखा है यहाँ पे। हां सा हुकम। अच्छा जी, चलो बड़ी अच्छी बात है। तैयारी शुरू करें? हां सा हुकम, तैयारी कर रहे हैं। अरे वाह, तो यहाँ बन रहा है 8 किलो। हां सा हुकम, लाल मास। हां सा। और यहाँ पे इनके बेटे साहब कैसे हो ब्रदर? बस बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू, आपने अलाउ किया, आपसे फोन में बात हुई थी। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ जी हाँ हुकम, तेल डालेंगे। चलो जी शुरू करो। सरसों का तेल? हाँ सौ का, सरसों का तेल डाल। कितना जा रहा है? 4 चम्मच डालूंगा। 8 किलोमीटर के लिए? हाँ सौ। दौलत सिंह जी आपकी उम्र क्या है? मेरी हुकम 55 साल हो गई। 55 साल उम्र? हाँ सौ। कितने सालों से बना रहे हैं? मैं बना रहा था 12 साल से। अरे वाह, 12-13 साल से बना रहे हो? या जब 12 साल उम्र थी? हाँ, जब आपकी एज थी 12-13 साल? 12-13 साल की एज थी। मतलब बनाते बनाते आपको मोटे मोटे 42 साल हो गए हैं। हाँ सा हुकम, मेरे दादू सा क्या था कि दादू सा बनाते थे ना, तो हमारे कुछ सिखाते थे। अरे वाह, यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स खोले जा रहे हैं। ये देखो जी, तेज पत्ता, पेपर, लौंग, लूंग, मोटी इलायची। देख लिया, तो तेल को फाड़ने के लिए नमक डाल रहा हूँ थोड़ा सा। गरम मसाला? हाँ सब कम। क्या क्या गया इसमें? दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता, 4 ही चीज है। अब ये प्याज डाल रहा हूँ। कितना प्याज आ रहा है? प्याज आ रहा है 1.5 किलो। इस लाल मास की मेकिंग है, अच्छे से देखो। अब इसे आप इसे ब्राउन होने दोगे? हाँ सब कम। आप पापा जी दोनों तरीके से बना सकते हैं, एक तो आपने होटल लाइन को और एक यहाँ देसी जो गाँव में बना। अच्छा। गाँव में ज़्यादा देसी आड़ो वही बनावा। अच्छा। ध्यान पापा जी क्यान भी थे, ऑर्डर वगैरह दो ना कि होटल आड़ो भी खाना है मन। हाँ। तो वो ऑर्डर देर भी बना। दोनों तरीके से बना? हाँ दोनों तरीके से बना। बिम का यहाँ ग्रेवी जाडी कर दो। हाँ। और टमाटर को यूज कर लो आप। हाँ। बढ़िया। अच्छा, तो वो ग्रेवी आपकी मीठा फ्लेवर देगी। ये क्या चरकाई देती है हमने, और हम दही खटाई की लगा। हाँ दौलत जी एक बात बताओ। हाँ सर। कि कितनी देर लगेगी प्याज भुनने में? 10-1 मिनट। हाँ 10 मिनट। 10 मिनट में प्याज भुन जाएगा? ठीक है। 8 किलो लगा था ना अपने मटन? हाँ। पता है मुझे बड़ा पसंद आया सेटअप यार। लाइक आई सेड यार, दिल्ली में वी गेट गुड फूड, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट दिस इज वेरी ट्रेडिशनल एंड दे नो द ऑथेंटिसिटी। 12-13 साल की उम्र से बना रहे हैं सर। हाँ दौलत सिंह जी। हाँ सर। मजा आने वाला मेरे को? हाँ सर जरूर। अच्छा हाँ सर, मैं हुकम 2000 तक तो ऐसा देखा था जयपुर में माहौल बढ़िया था, आना जाना टाइम से जाते थे लोग, टाइम से जाते थे। आजकल क्या होता है हमारे जयपुर में 10-11 बजे बाद में लड़कियां लड़का निकलते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सुबह 4 बजे तक घूमते हैं। लड़कियां भी आती हैं? हाँ, कभी पहली नहीं हुकम, पहली नहीं था ऐसा। अच्छा, पहले जाती है? कितने जाती है? 10-11 बजे बाद में रवाना होती है। मुझे 10-11 बजे बुलाते हैं। 10-11 बजे आते हैं। 10-11 बजे ऐसा होता था। ये मटन है जी? हाँ सर। पूरा ऊपर तरीके से 8 किलो है। हाँ सर। हाँ सर, का मटन पटक रहे हैं। अच्छा पटको जी। हाँ चर्बी अच्छे से डली हुई, अच्छा लग रहा है देख के। हाँ सर, मजा आता है चर्बी का। किसी भी तेल से अच्छे उसकी अपनी चर्बी होती है जी। हाँ जी। ओए ओए, ये सारे मसाले आ गए जी ऊपर। जी एक लाल मिर्च को जी मथानी है? हाँ जी मथानी है। हल्दी डाल रहा हूँ। कितनी हल्दी जा रही है जी? 1.5 चम्मच। बड़े 1.5 चम्मच। अब मिर्ची पाउडर 2, 3, 8, 9, 14, 15, 19।
धनिया पाउडर? हाँ सर। मैं गिनती नहीं कर रहा, जो व्यूअर्स हैं वो खुद करेंगे गिनती। पानी डाल रहे हो जी? हाँ जी। कितना? अंदाजन 7 लोटा डालूंगा। 7 लोटा। इसे कहते हैं मजा देखने का, यू नो दिस होल वे ऑफ मेकिंग इन मटन। आधा तो देखने में मजा आ रहा है, खाने ज्यादा मतलब। भाई शक्ल देखो, मसाले डालने के बाद और कुछ बार हाथ चलाने के बाद, कच्ची चलाने के बाद ये उभरता हुआ रंग बाहर आता है, जिसको देखने के बाद ना समझ नहीं आता करें क्या। वेट की नहीं जाती, आधे घंटे की और मेकिंग बाकी है 1.5 घंटे की। चलो अब पकने देंगे जी। हाँ जी हुकुम। हाँ जी और? हाँ हुकुम। जैसे कई लोग काई डालते, कोई बटर डालते हैं, कोई घी डालते हैं, वो डालते हैं, कोई तेल डालते हैं। सरसों का तेल आपके सामने यूज होता है। मेरा बर्तन भांडा देख लो, मेरे को पसंद नहीं किसी का मंजाना और वो साफ़ कराना, मैं तो मेरा खुद ही करता हूँ। जब ही मेरे को इदा आता है, बच्चे का नहीं आता मेरे को, बच्चे का भी नहीं आता हुक्म, बच्चे का भी नहीं आता मेरे को। हाँ नहीं, कोई भी चीज़ धोना करना, चीज़ मेलना, सफाई करना तो मैं खुद ही करूँगा, मेरे विश्वास नहीं रहता। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बुरी बात भाई, अगले को सफाई से खिलाओ, गिराए एक बार नहीं 4 बार आता है। लेट आया है, शक्ल देखो आके, तो ये हिलाएंगे ना, देखिए ना उबाला देख रहे हो। कितने लगेगी इसमें? अब 20 से 1 मिनट लगेगी। ठीक है देख लो यार। हाँ जी। हाँ हुकम। लहसुन डाल रहे हैं। कितना लहसुन डाल रहे हैं? मोटा मोटा थोड़ा और पानी। हाँ सर। यहाँ पे गाइस चिकन की तैयारी हो रही है, वो देखो जी। चिकन आप बनाते हो? हाँ मैं बनाता। चेक कर रहे हो जी? हाँ जी। ऐसा लिए देख लो, आप इसमें जा रही है दही। आखिर इंग्रेडिएंट दही है जी? हाँ जी। इसके बाद बस दही है, आखिर उतारेंगे। अब फाइनल रिजल्ट दिखाएं इसके बाद। हाँ जा गाइस फाइनल रिजल्ट देखें। हाँ दिखाओ जी। हाँ सब ये देखो, सही से देखते हैं। ओए होए होए एक पीस निकाल के दिखाओ जी जरा। गाइस धुआं आ रहा है, दिख जाए बस आपको, उसको इसका प्लेट में डाल के दिखाऊंगा, बस ऐसे दिख ही जाएगा। वाह जी वाह, देख रहे हो? ओए होए होए मज़े आ गए। रंग देखो, रंगत देखो। 8 किलो लाल मांस आपके सामने तैयार। दौलत सिंह जी अपने पूरे तजुर्बे के साथ हमारे लिए स्पेशल लाल मांस तैयार किया आप लोगों के लिए। बनाओ जी मेरी प्लेट, बनाओ रोटी के साथ। हाँ जी जरूर। गाइस ये देखो मटन डल रहा है। आप गाइस यार अभी थाली ये देख रहे हो, ड्रम, 2 ड्रम मिला के काम किया यार ये। All right guys, the food's here. ये एक ड्रम के ऊपर हमने पूरा जुगाड़ किया है। मटन लुकिंग एब्सोल्युटली किला यार आपके सामने है, साथ में तवा रोटी दी है। ओके इसको ना थोड़े अपने तरीके से खाते हैं। ये देखो इधर आओ, ये रखा पीस हमने रोटी के ऊपर और डाली करी। जैसे बनाया है ट्रेडिशनल तरीके से, उसी ट्रेडिशनल तरीके से हम खाएंगे भी, क्योंकि जायज़ है और नाजायज़ काम कर नहीं सकते इतनी मेहनत के बाद। हाँ हाँ ये देखो, ये रोटी ली मैं, ये देखो ये यहाँ से पीस लेते हैं। ओए हाय हाय ये देख रहे हो, ये देख रहे हो अंदर से, ओह गर्मा गर्म जलता हुआ। ये डिप किया हल्के से और ग्रेवी में डिप कर लेते हैं और ट्राई करें इसको। All right, 3, 2, 1, रुका नहीं जा रहा। Subscribe, let's go in. मज़ा आ गया, तीखा करारा करारा मटन। दौलत सिंह जी दिल खुश कर दिया, मज़ा आ गया।
ये रोटी पे बोटी खा के ना, हाँ हाँ स्वाद आ गया। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिल्कुल ही अलग राजस्थानी फ्लेवर्स और एपिक, कोई दो राय नहीं है। 10 में से 10 नंबर है। दौलत सिंह जी ने मुझे कराया खुश। नॉर्मली समय जब मैं नॉर्मली खाता ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि शाम के मेरे प्लान्स होते हैं, बट आफ्टर दिस रुका नहीं जा रहा। बहुत लकी है जयपुर के लोग जो ऐसा खाना खाते हैं। ये देखो इधर आओ, ये देख रहे हो पूरी नली सफा छट, क्योंकि हमने इसको खाया है। आप इस खाने के टेस्ट को सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते मन में कि मैं क्या खा रहा हूँ। किलो वजन बढ़ेगा आज। दौलत सिंह जी के यहाँ नाम क्या था फिर से बताओ जी अच्छे से। संगाड़ा लाल मास केकर है, ठीक है जी। एनीवे गाइस जरूर आना, ट्राई करना, मजा आ जाएगा। जितना खाता खाता हूँ, बाकी पैक करा फिर आपसे मिलता हूँ। वाह अरे वाह वाह वाह, समझे समझे आइयो बन गया। मैं कह रहा हूँ दिल खुश कर दिया, आप भी करो। अरे करेंगे बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। हाँ ना यार भाजी, सच बता रहा हूँ जयपुर का ना वन ऑफ द बेस्ट, आई इट कुड बी बेस्ट इज वेल मटन दैट आई ट्राइड। मेरे होठ ना जल रहे हैं उसके बाद भी ना मेरा खाने का और मन है। मैं रोक रहा हूँ अपने आप को बिकॉज देन ओवर ईटिंग हो जाती है एंड दैट्स नॉट फेयर। बट अगर मिर्ची वाला मीट खाना है तो आना है इनके पास। है जगह फिर से देख लो, छोटा स्टॉल है खंगाना लाल मास टेक अवे, इधर आ जाना और ट्राई कर लेना, गारंटीड कह रहा हूँ हैप्पी। ठीक है कि नहीं है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विल ग्रो। इंस्टाग्राम पे रोरा शोएब एंड फेसबुक पे शोएब रोरा व्लॉग्स लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए। दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा। अंडर देन टेक केयर, हैव फन, बाय।